हीट में हुए धांधली मामले को लेकर राजधानी पटना की सड़कों पर भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको पटना के दिनकर चौराहे की दिखा रहे हैं, जहां मोदी सरकार जवाब दो नाम का पुतला बनाकर यहां जो नीट अभ्यर्थी हैं सड़कों पर उतरे हैं। साफ तौर से ये धर्मेंद्र प्रधान का पुतला बनाया गया है और उसके लेकर पटना के दिनकर चौराहे पर जो नीट के अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हैं और बदस्तूर नीट में हुई जो धांधली है उस पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, आपको बताते चले कि 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं और उस पर लगातार सुनवाई हो रही है। सौरभ हैं यहाँ, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपको बता दें कि जो नीट पेपर हुआ है यूजी और उसमें 24 लाख छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो ये एनटीए को क्लीन चिट देना कहीं से भी जायज नहीं है। इसलिए राज्यव्यापी नहीं देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत पटना के ऐतिहासिक घटना से हुई है। हम दिनकर गोलंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि नीट पेपर जो है सीबीआई इंक्वायरी कराइए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन लोग हैं जो पूरे देश में शिक्षा माफिया की तरफ आग की तरह बढ़े हैं। हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं और आज पुतला दंगा कार्यक्रम होगा। माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि जो शिक्षा मंत्री का बयान निश्चित रूप से छात्र हित में नहीं है, हम उसे कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। इसका पुतला बना रखा है धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला है और मोदी सरकार से डिमांड करते हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या मांग करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है क्या कि नीट 2024 जो हुआ है ये बहुत बड़ा स्कैम है। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो 1563 बच्चों को ग्रेस अंक देकर जो पास करने की बात कही गई उसका पुनर्परीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन 24 लाख बच्चों का क्या होगा जिस 24 लाख बच्चों को पेपर लीक के कारण आज उनकी कैरियर जो है आज कोमा में जा चुकी है। आज बिहार हो, गुजरात हो, हर स्टेट में हो, बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़ा रहे हैं, बहुत सारे उसमें जो संलिप्त हैं वो पकड़ा रहे हैं। आज आर्थिक अपराध इकाई बिहार की जांच कर रही है, गुजरात पुलिस जांच कर रही है, सारा कुछ इतना प्रूफ मिल जाने के बावजूद भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं क्या कि एनटीए की कोई गलती नहीं है, सारा कुछ पाक साफ है, ये कैसे होगा? एग्जाम को कैंसिल किया जाए, पुनर्परीक्षा हो, 24 लाख अभ्यर्थी जो है सभी की पुनर्परीक्षा हो, सिर्फ 1563 का पुनर्परीक्षा होने से काम नहीं चलेगा। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको पटना के दिनकर चौराहे के दिखा रहे हैं, जहां सड़कों पर उतरे नीट अभ्यर्थी इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और पटना के दिनकर चौराहे पर धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। नीरज त्रिपाठी, न्यूज 24, पटना।